अपडेट आपको बता दें, अस्पताल में फायरिंग की आवाज सुनाई देने का दावा किया गया है। फिलिस्तीन ने हमले की आशंका जताई है। ये बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त की। वॉर जोन से लगातार अल-शिफा अस्पताल पर हमले का दावा किया जा रहा है और तड़के सुबह भी हमले की जानकारी निकलकर सामने आई थी और अस्पताल के अंदर से गोलियों के चलने की आवाजें भी सुनाई दी थी। फिलिस्तीन ने हमले की आशंका जताई है। ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, अल-शिफा अस्पताल पर लगातार इस बात का दावा किया जा रहा था कि कई आतंकी अंदर सुरंगों में घुसे हुए बैठे हो सकते हैं। उनका पूरा जो लाव लश्कर है, हथियारों का जखीरा है, अल-शिफा अस्पताल के अंदर नीचे सुरंगों में छिपा हो सकता है और वहीं से हमास के तमाम आतंकी जो हैं वो आतंकी घटनाओं को ऑपरेट कर रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी कि IDF पर अटैक कर रहे हैं। एक बार फिर से IDF पर हमले की आशंका जताई जा रही है क्योंकि ताबड़तोड़ लगातार रात से ही और तड़के सुबह भी गोलियों की आवाज़ें सुननी शुरू हो गई थी। अल-शिफा अस्पताल पर हमले का बड़ा दावा किया जा रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये अल-शिफा अस्पताल के बाहर की हैं, जहां पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। अल-शिफा अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स की ओर से दावा किया गया है कि अस्पताल की हालत बेहद खराब हो गई है। तो एक और बड़ी अपडेट इसी खबर को लेकर बताएं कि अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स की ओर से दावा लगातार किया जा रहा है कि अस्पताल की हालत बेहद खराब हो गई है। डॉक्टर बिना ऑक्सीजन के मरीजों की सर्जरी करने पर मजबूर हैं। अल-शिफा गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। हमास का दावा है कि इजराइल की सेना के हमलों की वजह से अल-शिफा अस्पताल में भारी तबाही हुई है और अस्पताल को चलाने के लिए ईंधन भी खत्म हो गया है। हालांकि IDF की ओर से दावा यह किया जा रहा है कि ईंधन देने की कोशिश की गई अल-शिफा अस्पताल को, लेकिन हमास की ओर से ईंधन नहीं लेने दिया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, हमास की ओर से दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से अल-शिफा जो कि गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है उस पर अटैक किया गया है। गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी हैं, लेकिन दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि बिना ऑक्सीजन सप्लाई के ही सर्जरी करनी पड़ रही है और जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, बेसिक दवाइयां हैं अल-शिफा अस्पताल में, उसकी कमी भी हो गई है। बिना ऑक्सीजन की सर्जरी करने का दावा गाजा के अस्पतालों में से एक है अल-शिफा अस्पताल और सबसे बड़े अस्पतालों में। एक बार फिर से IDF की ओर से अटैक का दावा, हमास की ओर से यह दावा।